Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. Chapter 2, my dear student. So chapter 2, as you know that, the kings, farmers and town. Kings, kings, farmers and town. Dear student, as you know that, in this chapter, we already studied that Mahajanpadas, the early states, Janpad, and the introduction of this chapter, we are all aware of that we are going to read about the history of 1000 years, from 6th century BC to 6th century CE, and we also studied some information regarding that in our previous class. Dear student, you never forget that you what we read in our previous class. I told you that after the decline of Harappan civilization, suddenly we had seen in the northern part of India, especially northwestern part of India, Indus and their tributaries. That was the area where after 500 years ago, the Indus Valley civilization was flourished. There was urban civilization. But 1500 BC, we had seen that this is the rural culture that was running on, that was in practice. You still don't believe that the Aryans, they were Aryans. They composed Rig Vedas, particular that region. Sapta Sandho Pradesh, that region is called Sapta Sandho Pradesh. I mean to say that if you see the map, that region is called Sapta Sandho Pradesh. Ye wahi region tha, if you will see, to ye kabhi Indus tha. Aur abhi ye ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और अभी ये वैदिक एरा, ये वही एरा है जहां पे ऋग्वेद कंपोज हो रहा है. इस एरा को सप्त सैंधव प्रदेश रीजन के नाम से जानते हैं. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन. द इंडस वैली दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज फर्स्ट. And the Mahajanpadas period, especially that regions, Mahajanpadas, that is called second urbanization. And दोनों के बीच का अंतर 6th century BC time period और
तब एक कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ये डेट दोनों के बीच एक लंबा अंतराल, इट मीन्स दोनों के बीच की डेटिंग आप देखिए 23 120 120, तो बीच करीब 1200 ईयर्स क्या था, दैट इज द वैदिक एरा। इवन वैदिक एरा आपके सिलेबस में नहीं है, वैदिक एरा दैट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द वैदिक कल्चर। वी सडनली रीच ऑन द टॉपिक द सेकेंड अर्बनाइजेशन अर्ली स्टेट, महाजनपदास इट मीन्स अर्ली स्टेट। अर्ली स्टेट्स वेयर वी स्टडी, क्या क्या पढ़ेंगे यहां पे हम लोग अर्ली स्टेट्स में, इनकी पॉलिटिकल सिस्टम को, इनके इकोनॉमी को और इनके सोश पॉलिटिकल इकोनॉमी और ये किस तरीके से सोसाइटी से कनेक्टेड थी, स्पेशली हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग 6th century BC द महाजनपदा देयर वाज इमर्ज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बिफोर महाजनपद पीरियड द वैदिक एरा दैट वाज वाइडली स्प्रेड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न एरिया, दैट इज द सब-सिंधु एरिया, सब-सिंधु सिंधु नदी की घाटी के बाद जो विकसित था, जो इलाका विकसित था वहां पे हमें सब-सिंधु एरिया का पूरा विकास दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा सब-सिंधु हमें उस क्षेत्र में दिखता है। माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट कि ग्रामीण नगरी संस्कृति के बाद ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति के बाद फिर एक बार नगरी संस्कृति में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, पास्टोरल सेटलमेंट्स के बाद अर्बन सेटलमेंट्स हमें दिखाई देता है, एडवांस अर्बन सेटलमेंट्स, देन आफ्टर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एंड देन आफ्टर पास्टोरल सेटलमेंट्स, सॉरी अर्बन सेटलमेंट्स। कहता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम 1500 to 1500 BC या 7th century लिखते हैं यहां पे 7th century BC या इसको पूरा लिख देते हैं ऐसे कंफ्यूज ना हो आप, 700 BC दोनों के बीच 800 साल 800 years। इस समय साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया दोनों जगहों पे हमें एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स दिखते हैं, पास्टोरल सेटलमेंट्स दिखते हैं। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज एरिया वेयर आयरन दैट वाज इन्वेंटेड बाय द ह्यूमन, आयरन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवॉल्यूशन ऑफ द 6th century BC। आयरन 6th शताब्दी ईसा पूर्व में एक बड़े बदलाव को ले आती है। लोहा का बड़ा महत्व है, लौह तकनीकी के आने से बड़े पैमाने पे अर्ली स्टेट फॉर्म हुए, क्योंकि अर्ली स्टेट को बनने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी और अर्ली स्टेट के लिए सरप्लस प्रोडक्शन जब होगा तो उस पर टैक्स और सरप्लस प्रोडक्शन से आर्टिसन ग्रुप इमर्ज होंगे और आर्टिसन ग्रुप इमर्ज होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट के बाद ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के बाद ट्रेडिंग सेंटर एंड देन आफ्टर इट्स चेंज दैट एरिया इनटू द ट्रेडिंग हब और ट्रेडिंग टाउन्स, टाउन टू सिटी, सिटी टू एम्पायर, इस तरीके से विकास हुआ, जनपद से महाजनपद बने। तो ये चीजें हम लोगों ने चर्चा की। कहते हैं आयरन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दक्कन प्लेटियों में ये कब मिला, 1000 BC में, बट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यहां पर आयरन कब मिला,
इस रीजन में 6 सेंचुरी, दोनों में अंतर है। साउदर्न पार्ट में 6 सेंचुरी बीसी में आयरन, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट में 6 सेंचुरी बीसी में आयरन, साउदर्न पार्ट में 1000 बीसी में आयरन। यर वन क्वेश्चन राइज दैट हाउ कैन यू से दैट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आयरन वॉज इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 1000 बीसी। यस वी हैव एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, द मेगालिथिक कल्चर दैट वॉज फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड मिड इंडिया ऑल्सो, वेयर द ह्यूज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ द आयरन दैट वॉज बरीड इन द बरियल्स, दैट वॉज बरीड विद देयर डेट्स, द आयरन टूल्स वॉज ऑल्सो देयर, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दे वर अवेयर ऑफ द आयरन ड्यूरिंग 1000 BC, बट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया दे अवेयर 6 सेंचुरी BC। बहरहाल ये चीजें जो भी हों, इससे विकास, इससे डेवलपमेंट हुआ और एक नई संस्कृति प्रकाश में आई, एक नई संस्कृति का हमें विकास दिखाई देता है। What I'm saying, try to understand. Okay, let me explain again. दी जा रही हूँ। आइए, मैं इन चीजों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अर्ली स्टेट और अर्ली एम्पायर, एम्पायर अर्ली, पहले स्टेट ही पढ़ते, फर्स्ट वी विल डिस्कस द अर्ली स्टेट एंड आफ्टर विल डिस्कस द अर्ली एम्पायर, मौर्य एम्पायर। अर्ली एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले अर्ली स्टेट को समझते। अब इस स्टेट में जनपद, जनपद टू महाजनपद, एंड महाजनपद टू अर्ली स्टेट, अर्ली स्टेट। अर्ली स्टेट, ओके। तो ये हुआ हमारा एक सीक्वेंस, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से अर्ली स्टेट। जनपद कितने थे? 16th महाजनपद थे, या जनपदों की संख्या और ज्यादा रही होगी, आई थिंक नियर अबाउट 40 और मोर देन। महाजनपद 16th महाजनपद अकॉर्डिंग टू बौद्धिस्ट एंड जैनिज्म लिटरेचर, महाजनपद अकॉर्डिंग टू अष्टाध्यायी पाणिनि, पाणिनि के टेक्स्ट, पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी से। इट वॉज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू पाणिनि इट वॉज स्प्रेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ ऑल्सो, दक्षिण भारत में भी इनका विस्तार रहा होगा। सपोज करिए ये इंडिया का मैप देखिए,
अस्मक को छोड़ के बाकी सारे महाजन पर 15 नॉट में थे। ये बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों के बाद जो पाणिनी है वो कहते हैं कि महाजनपदों की संख्या जो 22 थी ये साउदर्न पार्ट में भी थी, मतलब इस रीजन में भी महाजनपद रहे होंगे। इसकी बात को करते हैं व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ पंचमार्ग। किस आधार पर कहते हैं पाणिनी पंचमार्ग के आधार पर? पंचमार्ग, व्हाट इज द पंचमार्ग? एज यू नो दैट दिस इज द क्वाइंस। क्वाइंस स्टार्टेड इन 6th सेंचुरी बीसी। द पंचमार्ग वाज फाउंड आल्सो इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो दैट्स व्हाई पाणिनी इज स्टेटमेंट विच इज गिवन इन देयर टेक्स्ट दैट मे बी ट्रू। हिस्टोरियन बिलीव दैट कि हाँ ये सही हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, उन्होंने इस चीज का व्याख्या वहां पे की। और फिर धीरे धीरे महाजनपदों का विकास, महाजनपद 16 महाजनपद और फिर अर्ली स्टेट 16 महाजनपदों के बाद एक महाजनपद जो था मगध, मगध ने सारे महाजनपदों और गणराज्यों को हजम कर लिया, अपने विलीन कर लिया, अपना पार्ट बना लिया। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट मगध, व्हेन आई एम सेइंग दैट अर्ली स्टेट then you can reach particular that point that Magad, I am telling or we are discussing about Magad when I am saying that early state. In Magad, there are the different dynasties ruled time to time. But as you know that in your syllabus, the Mauryan Empire is given, so that's why we have to read the Mauryan Empire. But before we start Mauryan Empire, I would like to tell you the dynasties who ruled on Magad, early state. अगले एम्पायर मगध पर जिन लोगों ने रूल किया उनकी सूचना है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली। कौन कौन से महाराज, अब मैं इस को मिटा रहा हूं अर्ली स्टेट में। देखिए अर्ली स्टेट मगध, मगध में जो डायनेस्टी आई कौन कौन सी डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया, हम चलेंगे क्रम से। पहला चलते हैं पहले हरियंग वंश, हरियंग डायनेस्टी, हरियंग फर्स्ट। हरियंग के बाद आए सिसुनाग, सिसुनाग के बाद नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी। तो एक एक क्रम में हम चले अगर, की बात कर लेते हैं, इसे जरा मिटाते हैं। अब टाइम पीरियड देख लेते हैं, शासन का डायनेस्टीज के टाइम को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एक एक राजवंश एक एक वंश और फिर वो कैसे शासन कर रहे हैं। पहले हरियंक, हरियंक में कौन कौन से शासक, हरियंक वंश कब से कब तक चला और शासन कब से कब तक इनका डिटेल किया गया,
इन चीजों पे पहले बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहले हरियंक वंश में बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयभद्र के बाद अलग अलग शासक गद्दी पे आते हैं। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि इस राजवंश में हरियाणा के तीन महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, अजात शत्रु और प्लस उदयभद्र, शिशुनार में खुद शिशुनार प्लस कालाशोक हियर आई वांट टू क्लेरिफाई दैट कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, इसके बाद तीन शासकों का नाम और आता है मुंडक, नागशक और अनिरुद्ध। तो जो नागशक लास्ट शासक हुआ उसकी हत्या करके शिशुनार ने गद्दी प्राप्त की। शिशुनार के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पे आता है और फिर कालाशोक का एक अन्य नाम काकवर्ण भी मिलता है और यहां से काकवर्ण के समय में ही किसकी जो सेकेंड बहुत संगति हुई थी, सेकेंड बहुत काउंसिल हुई थी, 394 टू 366 तक के कालाशोक गद्दी पे रहता है। 394 टू 366 तक ये गद्दी पे रहते हैं कालाशोक स्पेशली। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र इन लोगों का शासन काल 460 टू 4, स्पेशली उदयभद्र 462 444 BC, यहां भी हम BC लिख देते हैं, और 394 444 से लेके 394 तक तीन किंग जिसका मैं नाम लिया अनिरुद्ध, मुंडक और नागशक शासन करते हैं। सॉरी, इसको और पहले कर देते हैं। अब 444 इट मीन्स शिशुनार और फिर कालाशोक 394 टू 366। नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद गद्दी पे आते हैं 366 BC में। और फिर इनके महापद्मनंद के बाद घनानंद का समय आता है 324 BC तक, यहां तक नंदों का शासन। और फिर फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, गद्दी पे आते हैं 320 322 298 BC। ये है एक क्रम, एक इतिहास तीनों के बारे में जो डिटेल करता है, जो सूचना है। सो माय डियर, दिस इज द इनिशियल इंफॉर्मेशन विच वी आर गोइंग टू रीड कि हम मगध जो अर्ली स्टेट था उसमें कई सारी डायनेस्टी शासन किए, इसमें हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश। नंदों को घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पे आता है और बिंदुसार के बाद आपके सिलेबस का शासक अशोक गद्दी पे आते हैं। इट मीन्स हम चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी डेट हमने लिखी 323 24 BC to 298 BC तक को शासन करते हैं। मौर्य एम्पायर एक बहुत ही वास्ट एम्पायर थी, बहुत ही बृहद एम्पायर थी जो जिसकी सीमाएं ईरान तक टच कर रही थी। और फिर
एक उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बिंदुसार के समय राज्य थोड़ा कम हुआ, कलिंग स्वतंत्र हुआ होगा, और फिर अशोक शासक बना। अशोक ने कलिंग की स्थापना, कलिंग को एक बार फिर जीत के मौर्य साम्राज्य का अंग बनाया और एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण उसने फिर एक बार कर दिया। फिर उसने इन चीजों को छोड़कर धर्म नीति का वो पालन करने लगा। दीज ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव टू रीड इन आवर सिलेबस। वी आल्सो डिस्कस अबाउट द धम्मा अशोका, एंड व्हेन वी विल डिस्कस धम्मा अशोका यू कैन इजीली अवेयर दैट की वाई अशोका एडॉप्टेड देयर धम्म नीति, धम्म पॉलिसी। धम्म पॉलिसी को क्यों उसने अडॉप्ट किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, वी आल्सो डिस्कस। हम उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो माय डियर, चलिए ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हुई अर्ली स्टेट के बारे में। अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं अशोक के बारे में। ओके, ओके माय डियर, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य वाज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ओके, इन माय प्रीवियस क्लास आई वाज डिस्कस अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, एंड इन माय दिस क्लास आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट बिकॉज माय ऑनलाइन क्लास एंड माय वीडियो बोथ प्लेसेस आई वाज डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड देयर अपॉर्चुनिटीज, who was Kautilya, who was Vishnu Gupta, and by what is their born and caste, everything.
कि कैसे उसने जीता, अलेक्जेंडर से लड़ाई कैसे हुई, दीज आर ऑल पॉइंट्स आई वाज डिस्कसिंग इन प्रीवियस क्लास, सो दैट्स व्हाई टुडे आई विल नॉट डिस्कस. ओके, बिंदुसार आल्सो आई वाज डिस्कस. वी विल ट्राई टू रीड अ टॉपिक. व्हिच टॉपिक? द अशोका. माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अशोका वॉज द ग्रेट इंपर. अशोका ही गिवन फर्स्ट टाइम लीव एंड लेट अदर लीव कॉन्सेप्ट. ही वॉज द फर्स्ट किंग हु प्रूव दैट कि द ड्यूटी ऑफ किंग इज नॉट ओनली दैट ही सिंक ऑन द ग्लैमर. ही शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दैट देयर पीपुल, देयर सिटीजन. And Ashoka was treated. The inscriptions, rock edicts, minor edicts and major edicts given them a lot of information that Ashoka think about their own peoples. Their Dhamma, Dhamma of Ashoka, that was based on their moral values. When we read about Ashoka, we can easily understand about that ki their opportunities and everything. Aaj ke liye itna hi. हम फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय एंड टेक केयर.